नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Realme Narzo 30 वर्सेस Oppo F17 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Narzo 30 में 6.39 इंच जबकि F17 में 6.29 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Narzo 30 से कम है। विड्थ की बात करें तो Narzo 30 में 2.97 इंच जबकि F17 में 2.87 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Narzo 30 से कम है। बात करें थिकनेस की तो Narzo 30 में 0.37 इंच जबकि F17 में 0.29 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Narzo 30 में 192 ग्राम जबकि F17 में 163 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Narzo 30 में IPS LCD जबकि F17 में Super AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Narzo 30 में 6.5 इंचेस जबकि F17 में 6.44 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Narzo 30 में 83.36% जबकि F17 में 85.95% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Narzo 30 में 405 पिक्सेल प्रति इंच जबकि F17 में 409 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Narzo 30 में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और F17 की बात करें तो इसमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मोनो कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Narzo 30 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 6 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और F17 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Narzo 30 में माली G76MC4 जबकि F17 में Adreno 610 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Narzo 30 में MediaTek Helio G95 और F17 में Qualcomm Snapdragon 662 मिलता है। बात करें RAM की तो Narzo 30 में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB, 6GB, 6GB की RAM मिलती है, जबकि F17 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB, 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Narzo 30 में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB, 64GB, 128GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि F17 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB, 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 256GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Narzo 30 में Android V11 जबकि F17 में Android V10Q देखने को मिलती है। बैटरी Narzo 30 में 5000 mAh जबकि F17 में 4015 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Narzo 30 में 2 कलर्स जबकि F17 में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Narzo 30 में 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 13,448 रुपीस, 6GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 14,499 रुपीस,
6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 12,499 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें F17 की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं जो कि 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 15,700 रुपीस, 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 22,990 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Realme Narzo 30 में 6 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Oppo F17 की तो उसमें 3 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में F17 आगे है, मेन कैमरा में Narzo 30 आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Narzo 30 आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo Y30 है, दूसरा Oppo F17 Pro है, तीसरा Vivo Y12s है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Infinix Hot 10 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।